अस्सलाम वालेकुम जी। देख जी, आज का व्लॉग हम शुरू कर रहे हैं गांव में ही। अभी हम जा रहे हैं, यहाँ पर हमारा लिंक है, वहाँ पर नहर दो और तीन नहरें जो वो क्रॉस करती हैं एक दूसरे के साथ, तो आपको हम देखने के लिए जा रहे हैं। साथ में ट्राइकोन सिटी है, वो देखेंगे। ये जी हमारे यहाँ पर बना है शाहजहान होटल है, शादी हाल भी है और रेस्टोरेंट भी है जी साथ में। और ये उस्मानिया, ये उस्मानिया बना है जी, ये भी रेस्टोरेंट है और साथ में होटल है। और ये जो रोड जा रहा है, ये जा रहा है जी कराची को सीधा, कराची मुल्तान आगे सारा बहावलपुर वगैरह ये सारा उधर जा रहा है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज का जी व्लॉग शुरू करते हैं हम। मैं अपने गांव में ही हूँ अभी, तो अभी एक नई जगह आपको दिखाने के लिए आए हैं। इसे लिंक कहते हैं, ये दो नहरें हैं, उन्हें आपस में लिंक कर रहे हैं। अगर आप देख सकते हैं तो मेरे नीचे भी है जी, ये नहर नीचे से गुजर रही है, ठीक है जी। और दूसरी नहर जो है ये पीछे से गुजर रही है। मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि यहाँ पर दो नहरें हमारे गाँव के दरमियान में से गुजरती हैं, एक ये है और एक उस तरफ बड़ी नहर आपको मैंने दिखाई। तो ये वही नहर है जी, तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर ये 9 इंच की दीवार है। इस जगह पर हम बहुत नहाए हैं जब छोटे होते थे, अभी तो आते नहीं हैं इधर नहाने के लिए, तो इधर नहाते रहे हैं इस जगह पर। अगर मैं आपको दिखा सकूं, मेरे इस साइड के ऊपर ट्राइकोन सिटी आप नहीं बनी है, ट्राइकोन सिटी ये उसकी बैक जगह पर आप सारी खड़े हैं जी। अभी तो काफ़ी रौनक होगी, पहले इधर नहीं थी ये सारी की सारी चीज़ें, अभी काफ़ी ज़बरदस्त हो गया यहाँ से। अभी फिरेंगे थोड़ा सा अंदर, ट्राइकोन सिटी भी जाएंगे, उसके अलावा एक और जगह है मैं वो भी आपको दिखाऊंगा, लिंक है ट्रेन का। और नीचे से ये वाली जो नहर है ना, ये वहाँ से निकलती है, ये वाली जी। आज हम आए हैं सारे, ये सारे कोई भतीजा है मेरा, कोई भांजा है, ये भांजे है मेरे, इसका नाम मुबीन है, ये अली है, ये लाहौर से आज आया, ठीक है जी। ये भतीजा है मेरा, ये भी भतीजा है मेरा, ये एहसन है, और ये कज़न है मेरा लियाकत है। ये अभी आए हैं सारे लाहौर से, तो हम इधर सैर करने के लिए आए हैं। तो अभी तो मैं भी काफ़ी अर्से के बाद इस जगह पर आया हूँ, तो काफ़ी चेंज हो गया। अगर पीछे आप जो नहर देख रहे हैं, यहाँ पर हम नहाते रहे हैं बचपन में बहुत ज़्यादा, हमने वो साथ में तरबूज लेकर आना, आम वगैरह लेकर आना, यहाँ पर नहाना करना। अभी तो सारी नहर पक्की कर दी है इन्होंने और पूरा चेंज हो गया। और साथ में जो नीचे वाली नहर है उसे कोका नहर कहते हैं जी, अब असल नाम इसका पता नहीं क्या है, लेकिन इसे कोका नहर कहते हैं। और ये निकलती कहाँ से है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, अभी थोड़ी देर में हम उधर चलते हैं तो वो देखते हैं चल जी। अब हम जा रहे हैं आगे लिंक पर, वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ जो जहाँ से ये वाली नहर निकल रही है और साथ में ट्रेन का ट्रैक है, वो भी बड़ी खूबसूरत जगह है, वो देखते हैं अब चल के आए, ठीक है जी। अब मोटरसाइकिल वगैरह लड़कों ने स्टार्ट कर लिया, अब उधर चलते हैं। अब हम जा रहे हैं जी लिंक, जो मेन लिंक है जहाँ से ये नहर जो हमारे साथ चलती है वो निकलती है, साथ में ट्रेन का ट्रैक है, वो देखेंगे चल के इंशाल्लाह। और बड़ी खूबसूरत जगह है जी, वो देखते हैं। ट्राइकोन सिटी में फिर रहा हूँ जी मैं, ये काफ़ी अच्छी इन्होंने हाउसिंग सोसाइटी डाली है जी। और ये लड़के हैं, ये जी हसन और मूसा, ये बीन और अली है, ये जा रहे हैं, और मैं और लियाकत हैं जी, ये हम फिर रहे हैं आज। और ये इसका जो फ्रंट वाला एरिया जी सारा बनाया तो बड़ा ज़बरदस्त है। अब ट्राइकोन सिटी में फिलहाल फिर रहे हैं हम, काफ़ी खूबसूरत है जी, मैं तो इम्प्रेस हुआ हूँ।
इस वजह से, क्योंकि यहाँ पर ये इस किस्म की सोसाइटी जो है ना वो लाहौर में देखने को मिलती है, लेकिन वो भी सही बात है, इसका ट्रेंड चला तो काफ़ी खूबसूरत और ज़बरदस्त ये जो सोसाइटी बनाई है, कारपेट रोड है, सीवरेज वगैरह सारा डाला हुआ, बड़ा खूबसूरत व्यू है, तो ज़बरदस्त है जी। आज मौसम भी वैसे अच्छा, आज मैंने सारा दिन वेट किया, लेकिन सुबह तो अभी धूप निकली रही है, अभी मौसम ठीक है, शाम को तो फिर हम निकले हैं। हाँ जी, किधर फिर रहे हो भाई? हम टाइकॉन सिटी, ये टाइकॉन सिटी में आए हैं जी सारे। ये जी इनका, ये इनका जो मेरे पीछे आपको नजर आ रहा है, ये ट्राइकॉन की मेन एंट्रेंस है, तो इन्होंने बड़ा मिस्री सा टच दिया इसे, बड़ा अच्छा खूबसूरत लग रहा है इसका जो मेन एंट्रेंस है, बाकी पीछे नहर के साथ लग रहा है, साइड पर भी नहर के साथ लग रहा है, तो मुझे तो इनका व्यू बहुत पसंद आया। तो अब जो ये लड़के हैं, ये इन्होंने पीछे शोर डाला हुआ है, रेसें वगैरह कर रहे हैं, तो अब ये है कि मैं इनके साथ चलता हूँ, निकलते हैं। इन्हें बार बार इसलिए रोक रहा हूँ कि ये ज़रा शोखी करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि मेरे साथ आए हैं तो ज़रा आराम से रहें। तो आप भी अपने बच्चों को रोका कीजिए जी, कि ये वन व्हीलिंग वगैरह और दूसरा मोटरसाइकिलों पर कोई करतब वगैरह ना करे, मोटरसाइकिल वैसे ही गंदी सवारी है। ट्रेन के ट्रैक पर खड़े हैं, डबल है, नीचे से नहर गुजर रही है, और पीछे अगर आप मेरे देखते हैं तो ट्रेन आ रही है इस टाइम, ट्रेन पीछे मेरे आ रही है जी, तो हम इस जगह पर खड़े हैं, बहुत खूबसूरत ये प्लेस है। अगर आप मेरे इस साइड पर देखें, इस साइड पर देखें तो पीछे ट्रेन, पीछे सड़क आ गई है जी हमारे पीछे, ये आप देख सकते हैं ट्रेन आ गई है। अब ट्रेन दिखाते हैं आपको, पीछे हो जाना, और ये गुजर गई है जी की कर रहे जी? ये देख रहे हैं जी, अब ट्रेन गुजरी अभी इधर से, तो बच्चे देख रहे हैं कि गर्म है या इसके ऊपर शोर आता है, तो वो देख रहे हैं। एक पहले इस जगह पर हम खड़े होकर नहाया करते थे जी, तो बड़ी जबरदस्त जगह लगाते थे, और वो जो आपको मेरे पीछे बैक पर नजर आ रहा है वो लिंक है, ये नहर उधर से गुजरती है, मैं आपको बड़ी नहर उधर से दिखाता हूँ जो इधर को आ रही है, तो वो भी अभी आपको कैप्चर करके दिखाते हैं। ये नहर नीचे मेरे चल रही है, ये उसके ऊपर हम इस तरह चल रहे हैं, ये नहर ये पार्टीशन से पहले किया, ये इनका प्लान बना कि यहाँ से ट्रेन की पटरियों से मोटरसाइकिल को पार करवाते हैं इधर, और फिर चलेंगे आगे, अब मोटरसाइकिल पार करवाने लगे हैं ये। से पानी आ रहा है इस जगह पर हम नहाया करते थे, अभी तो पानी का बहुत बहाव है, पानी भी बहुत ज्यादा अब इन्होंने खोल दिया इधर, पहले इतना पानी नहीं खोला करते थे। और ये पुल पर जो बच्चे खड़े हैं, इस जगह से हम नीचे छलांगे लगानी करनी है हमने, ये देखें जी पानी का कितना फ्लो है,
ये अभी सारा कुछ इन्होंने नया बनाया। ये देखें जी, ये अब ऊपर नया, ये पुल सारा नया बना, और ये इन्होंने हेड सा नया बनाया। अब ये देखें, ये जी बड़ी नहर है जिसकी मैंने कल भी वीडियो बनाई थी हमने, ये वो वाली जगह। ये देखें, यहां से इसके गेट खुलते हैं और ये बच्चे ऊपर खड़े हैं। और ये दरिया से भी बड़ी जगह है जी, है वो आगे जगह बनी हुई है, वो भी आपको दिखाता हूँ। पहले इस जगह पर एक पुल होता था, यहाँ से ये जी सीढ़ियाँ इन्होंने दी हैं, नीचे इन्होंने बनाए हैं वो क्या उसे कहते हैं, गेट है नीचे, गेट तीन से खुलते हैं, उसे खुलने के बाद फिर वो पानी जो मैंने आपको दिखाया पानी, तो ये बहुत ज़बरदस्त है जी। पहले ये नहीं होता था, अभी उन्होंने ये सारा बनाया, पहले ये लेकिन इस टेक्नोलॉजी से ली थी, वो पुराने तर्ज की बनी जो पार्ट है। सिमरन आई लव यू सिमरन, ये टाइटैनिक का पोज बना दिया, उन्हें आना नहीं ऊपर, आ जाओ आना, आ जाओ सीढ़ियों से आ जाओ। शाम हो गई है, मगरब के टाइम है, इधर पहुंचे हैं। ये मैं आपको दिखाऊं, ये नीचे गेट लगे हुए हैं, यहाँ से जी पानी जाता है, ये गेट है नीचे और इनके नीचे से पानी जा रहा है, और ये बिल्कुल सामने यहाँ से इधर एक छोटा सा पुल हुआ करता था, अब वो पुल इन्होंने खत्म कर दिया, अब आगे ले गए हैं जगह जी। जिस जगह पर हम खड़े हैं, अक्सर कोई नहर में कोई लाश वगैरह है या कोई मसला हो जाता है, कोई बच्चे या कोई बड़ा डूबता है, तो वो इस जगह से आकर निकालते हैं, क्योंकि पीछे फ्लो ही फ्लो होता है और रुकती नहीं है, वो इस जगह पर पहुंचती हैं तो फिर इधर से निकालते हैं। हमने काफ़ी दफ़ा देखा है यहाँ पर निकालते हुए, लेकिन अभी अल्लाह ताला का शुक्र है कि अभी बेहतर है हालात, अभी इतना कोई मसला नहीं है। अब हम चलते हैं आगे, जहाँ पर इन्होंने फ्लो देने के लिए नहर को मज़ीद आगे बनाई हैं, वो चीज़ें वो मैं आपको दिखाता हूँ, अब आगे चलते हैं। जी ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, लगा हुआ है सारा, इसके ऊपर लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन इसकी कि क्या क्या चीज़ें। तो पहले इस जगह पर अंग्रेज़ों का बना हुआ बोर्ड होता था, और जो ऊपर अंग्रेज़ का नाम मेंशन था जिसने ये बनाया था, अभी वो ख़त्म करके अभी इन्होंने बना दिया, तो ये लगा हुआ है। ये आपके पीछे जो दरख्त नज़र आ रहा है, ये कम से कम 200-300 साल पुराना दरख्त है। इसके नीचे पहले बहुत पुराना सा घर बना होता था, घर नहीं था एक्चुअली, वो महकमा जंगलात वालों का दफ्तर बना होता था, इसके अंदर गार्ड वगैरह बैठते होते थे। ये सूरज बिल्कुल गरूब हो गया जी, शायद कैमरे की आंख आपको ये सारी चीज़ें ना दिखा सके इतने अच्छे तरीके से, लेकिन असल में अगर आप ये जगह देखें तो बहुत खूबसूरत है, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त जगह है सारी की सारी। तो हमें तो सारा बचपन यहाँ पर गुजरा, बहुत दरख्त वगैरह होते थे, अभी तो सारे दरख्त इन्होंने जंगल के भी काट दिए हैं, ये इधर होता। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे साइड पर अभी गवर्नमेंट ने दोबारा दरख्त लगाने शुरू किए हैं, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, अब ये देखें फ्लो पानी का, ये पीछे सारे इनके गेट लगे हैं, अभी सिर्फ इन्होंने गेट वगैरह लगाए हैं सारे, इसके बाद इनका प्लान है यहाँ पर बिजली के लिए टर्बाइनें वगैरह भी लगाना, क्योंकि पानी का फ्लो बढ़ाने के लिए जगह जगह पर बनते हैं, इसे झाल कहते हैं, झाल पंजाबी या उर्दू में इसे झाल कहते हैं, ये वो बनी हुई है जी सारी। अभी ऊपर जाने का रास्ता इन्होंने बंद कर दिया, जब इन्हें ज़रूरत होती है तो ये खुद इस्तेमाल करते हैं। ओ
और ये आप हम वापस जाने का क्या घाट की तरफ सर, तो दिखाते हैं आप रास्ते में और कौन कौन सी। यहाँ पर पमाइश मीटर है गाल बंजे और ये मैं आपको दिखाता हूँ इसका फरमाइश मीटर। ये इन्होंने सीढ़ियाँ बनाई हैं, सीढ़ियाँ बनाकर ये देखें ये पमाइश मीटर है नहर का। अभी हम जल्दी यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि अभी रात काफ़ी हो गई है, तो यहाँ पर चोरी चकारी का भी खतरा हो सकता है क्योंकि साथ तो जंगल है सारा, तो इस वजह से हम अब निकलने लगे हैं सारे। और ये सेवा मिल रही हैं सानू, सेवा ये एसन को दिखानी है। ये जुलम इतना किया जी, यहाँ से इसे कहते हैं कंडो वाली होती है, ये किसी ने मारी है और मार कर यहाँ पर लटका दी है। अगर हमारी ये वीडियो, अगर ये WWF वाले या कोई भी अदारा जो इससे मुतलका है अगर वो ये देख रहे हैं तो ये देखें इन्होंने कितना जुलम किया है जी, सारी की सारी फैमिली इनकी मार दी है इन्होंने। ये देखें जी मेरे पीछे ने ये से है, एक नीचे मरी हुई है और एक ये इन्होंने मार कर लटका दी है। ये देखे कितना जुल्म है जी, ये भाई हमारे असासा है ये मुल्क का, आप ये हरकतें बिल्कुल ना कीजिए। ये भी जानदार है इनकी भी, और रहे भी अपने घर में रहे हैं, ये नहीं कि हमें तंग कर रहे हैं, जंगल में रह रहे हैं वो, और किसी ने मार कर ये इधर फेंक दी है। ट्रेन पीछे रहो, ये ट्रेन आ गई है जी, अब हम साइड पर खड़े हो गए हैं। ये पीछे आपको सारा हमारा गांव नजर आ रहा होगा। अब हम इसलिए खड़े हैं जी, मैंने आपको बताया कि ट्रेन आ रही है, तो अब हम सारे एक साइड पर खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं कि ट्रेन गुजरेगी, फिर उसके बाद हम अपने मोटरसाइकिल वगैरह यहाँ से गुजारेंगे। ये बैक साइड पर ट्रेन जी हमारे पहुंच चुकी है बिल्कुल नजदीक, और ये मुझे लग रहा है कि माल गाड़ी है, ये कोयला लेकर जाती है जो कादराबाद फूल पावर प्लांट वहां पर कोयला जा रहा है। ले जी आज का व्लॉग हम इधर ही खत्म करते हैं, मगरब का टाइम हो चुका है, अंधेरा होने वाला है, तो फिर इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए व्लॉग में एक नई जगह पर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा जी, मुझे इजाजत दें, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।